great cause of things. Hope you all are doing good. So, आज इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही यूनिक एंड ट्रेंडिंग क्राफ्ट आइडिया. दिस आई एम ट्राइंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई नो कि इसका आउटकम बहुत ब्यूटीफुल होगा. जब भी हम किसी को गिफ्ट करते हैं ऑन देयर स्पेशल ओकेजन, अगर वो गिफ्ट बहुत पर्सनलाइज्ड या यूनिक होता है, सो पीपल अप्रिशिएट अस फॉर आवर गिफ्टिंग चॉइसेस. सो व्हाई नॉट क्रिएट इट फॉर आवरसेल्फ ऑन आवर स्पेशल डेज. ये क्राफ्ट जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ, अगर इसका आउटकम मुझे पसंद आया तो शायद मैं आगे भी बहुत जन को ये गिफ्ट करूँ. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू टुडेज वीडियो एंड सी कि इसका आउटकम कैसा आता है. होपफुली यू विल एंजॉय द वीडियो. नाउ यू ऑलरेडी नो कि मैं आज यहाँ पे क्या बनाने वाली हूँ. मैं आज यहाँ पे एक एम्ब्रॉयडरी हूप आर्ट बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक 12 इंच का एम्ब्रॉयडरी हूप लिया है. इफ़ यू वॉन्ट टू मेक दिस आर्ट, आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर बिगर साइज ऑफ दिस एम्ब्रॉयडरी हूप, आइदर 12 इंच और 14 इंच, बिकॉज जब आप बड़े फ्रेम पे ये बनाओगे तो ये ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा. नेक्स्ट हेयर आई एम यूजिंग बकरम शीट विच विल एक्ट एज अ कैनवस फॉर मी. आप चाहो तो इसके बदले आप क्लॉथ का यूज़ कर सकते हो, स्पेशली अगर आप एम्ब्रॉयडरी में जाते हो तो आप इसमें क्लॉथ का भी यूज़ कर सकते हो. बट अगर आप पेंटिंग कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप बकरम शीट का ही यूज़ करें, क्योंकि इससे आपका क्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा स्टडी एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस. सो यहाँ मैंने बकरम शीट को अच्छे से फिक्स करने के बाद जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसको मैंने कटआउट कर लिया है, एंड स्टिल जो इसके एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं ये बैक साइड का जो हुप है इसमें मैं अच्छे से फेविकॉल से पेस्ट कर रही थी. सो जब मैं फेविकॉल से पेस्ट कर रही थी तो थिंग दैट आई ऑब्जर्व इज इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, और ये अच्छे से पेस्ट भी नहीं हो रहा था अनटिल अनलेस इसको आप बहुत अच्छे से प्रेस करो. सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर हॉट ग्लू गन. फिर मैंने इसे हॉट ग्लू गन से पेस्ट किया एंड इट वॉज सुपर क्विक एंड ईजी. अब मैं यहाँ पे पेंसिल से सिंपली एक रफ स्केच बना लूँगी सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा डिज़ाइन मुझे कहाँ प्लेस करना है एंड एग्जैक्टली कितना जगह या फिर कितना स्पेस लगेगा किस आर्ट के लिए, वो मैं डिसाइड करने के लिए मैंने यहाँ पे पेंसिल से बेसिक जो स्ट्रक्चर्स आउटलाइंस होते हैं मैंने उसे ड्रॉ किया है. इस क्राफ्ट को बनाते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर स्पेस एलोकेट करो फॉर एवरी एलिमेंट. अगर आप इसमें कुछ भी एलिमेंट जो भी आप इसमें ऐड करोगे उसके लिए जो आप स्पेस ये डिज़ाइन जो आप बना रहे हो उससे थोड़ा स्पेस आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगा, क्योंकि आप इसके ऊपर जब क्लॉथ पेस्ट करोगे तो वो ऑब्वियसली जितना आप डिज़ाइन बनाए हो एग्जैक्टली उतने स्पेस पे ही ये नहीं रहेगा, उससे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा स्पेस आपका इसमें लगेगा. इसलिए जब आप कुछ और एलिमेंट्स या कुछ और जो इसमें आप डिज़ाइंस बनाओगे उसको थोड़ा थोड़ा आप डिस्टेंस पे रखो ताकि वो बहुत ज़्यादा क्लमजी ना लगे. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द चॉइस ऑफ कलर एंड फैब्रिक. यहाँ पे मैं अपने वेडिंग फ़ोटो को रेप्लिकेट करने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे वही सारे कलर थीम रखूँगी जो मेरे वेडिंग के टाइम पे सारे ड्रेसेस हमने यूज़ किया है. सो इट वाज अ रेड एंड गोल्डन बनारसी साड़ी. यहाँ पे मैं उसी कलर कॉम्बिनेशन का एक चंदेरी सिल्क का ब्लाउज पीस ली हूँ, जिसको मैंने इस तरह से कट करके ऑफ द हाइट मेजर करके इसे फोल्ड करके एंड इसमें मैंने इस तरह के प्लीट्स बनाए हैं. अब प्लीट्स को फिक्स करने के लिए मैं इसके साइड्स में से जो थ्रेड्स निकल आ रहे थे इसलिए मैंने इसको एक हॉट ग्लू गन से पेस्ट कर दिया है, एंड जितने भी प्लीट्स हैं उन सारे को मैं अच्छे से हॉट ग्लू गन से प्लीट्स बना बना के उसको पेस्ट कर दूंगी ताकि ये प्लीट्स एक प्रॉपरली रहे, फिक्स्ड रहे एंड ये इधर उधर ना हो. अदरवाइज आप देख सकते हो कि ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, तो इस तरह से मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसका प्रॉपर प्लीट्स ही चाहिए. इसलिए इसको मैं प्लीट्स बना के इसको अच्छे से हुप के साथ भी इनफैक्ट पेस्ट कर दूंगी एंड देन इसको अच्छे से प्रेस कर दूंगी ताकि इसके प्लीट्स प्रॉपरली अपने प्लेस में ही रहे. नाउ फॉर द दुपट्टा एंड शेरवानी मैं ये गोल्डन फैब्रिक यूज़ करूँगी. इसके लिए मैं इसको अच्छे से प्लेस करके देख लूँगी कि कितना चाहिए मुझे एंड उस हिसाब से इसको कट कर लूँगी. अब मैं ये शेरवानी के लिए इसे इस तरह से हॉट ग्लू गन से अगेन पेस्ट करके इसे फिक्स कर लूँगी सो दैट ये अपने प्लेस पे प्रॉपरली रहे. एंड इसके साथ साथ ये शेरवानी को कंप्लीट करने के लिए जो ये दुपट्टा रहता है उसको भी मैं यहाँ पे इस तरह से हॉट ग्लू गन से पेस्ट कर लूँगी एंड बाकी के जो एलिमेंट्स हैं उसे मैं पेंट करूँगी.
पेंट करने से पहले जितने भी एजेस है, ये एक्स्ट्रा एजेस जो आप देख रहे हो जहाँ पे अनइवन है बिकॉज ऑफ द हॉट ग्लू गन जो ये मैंने पेस्ट किया था, उसको एक बॉर्डर देने के लिए मैं यहाँ पे इन सारे पे मैं ये गोल्डन एंड रेड कलर का लेस यूज़ करूँगी। अब इसके बाद एक्रेलिक कलर से, मरून कलर से मैं ये जो ब्लाउज है, ये टर्बन है, इन सारे को पेंट करूँगी। अगेन आई एम चूजिंग हियर एक्रेलिक कलर बिकॉज बहुत ज़्यादा क्लॉथ मटेरियल अगर मैं यूज़ करूँगी तो वो अननेसेसरीली क्लमजी लगेगा, इसलिए कहीं कहीं पे इसको 3D इफेक्ट देने के लिए मैंने क्लॉथ यूज़ किया है। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट जो कि मोस्टली हिडन ही रहेगा क्योंकि ये जो ब्लाउज आप देख रहे हो इसके ऊपर से एक दुपट्टा रहेगा, सो अगर मैं ब्लाउज भी क्लॉथ से बनाती एंड उसके ऊपर दुपट्टा से भी बनाती तो वो बहुत ज़्यादा मतलब बाहर तरफ निकल के आता, इसलिए मैंने ब्लाउज को सिंपल ही रखा क्योंकि ब्लाउज का डिज़ाइन ऐसे भी यहाँ पे नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने इसको पेंट किया है। अब मैं यहाँ पे इस गोल्डन फैब्रिक को एज अ दुपट्टा यूज़ करूँगी फॉर द हेड गियर और वेल जिसको हम कहते हैं। सो इसको मैं इस तरह से अगेन प्लीट्स बना बना के विद द हेल्प ऑफ हॉट ग्लू गन इसे पेस्ट कर दूंगी एंड मुझे इसका भी जितना लेंथ चाहिए मैं उस हिसाब से इसको प्लेस कर लूँगी एंड एक्स्ट्रा पार्ट को मैं यहाँ पे कट आउट कर लूँगी। ये चॉइस ऑफ कलर बिल्कुल मेरा पर्सनल है बिकॉज दिस वॉज माई वेडिंग कलर थीम। आपको जिसके लिए भी ये बनाना है, आप अगर अपने लिए बनाते हैं या किसी को गिफ्ट करते हैं तो उनके अगर वेडिंग पिक्चर को आप रेप्लिकेट करते हो तो आप ध्यान रखें कि आप उनके वेडिंग थीम के हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करें। किसी को आप ये बर्थडे में भी गिफ्ट कर सकते हो, तो जो भी फ़ोटो को आप एक्चुअली रेप्लिकेट करना चाह रहे हो उस कलर का या उस मटेरियल से, फैब्रिक से रिलेटेड ही फैब्रिक आप चूज़ करो ताकि वो बहुत पर्सनलाइज लगे, अदरवाइज़ वो उतना ज़्यादा पर्सनलाइज नहीं लगेगा। नाउ कम्स द यूनिक पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्ट। यहाँ पे मैं कलर्स यूज़ करूँगी। जनरली आप देखे होंगे तो अगर वेडिंग हुप्स आप सर्च भी कर लो तो मोस्टली मतलब अगर आप 100 सर्च करो तो ऑलमोस्ट 100 ही आपको इस तरह का वाइट मिलेगा, बट आई वुड रिकमेंड एंड दिस इज़ माई पर्सनल चॉइस, अगेन आप चाहो तो आप वाइट रख सकते हो, बट मुझे लगा क्योंकि ये वेडिंग थीम पे है तो इसलिए इसमें ब्राइट कलर्स होना मैंडेटरी है। तो यहाँ पे मैं ये ऑरेंज एंड येलो यूज़ करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं है बट एट द सेम टाइम ये ब्राइट कलर्स है बिकॉज वेडिंग थीम है तो इसमें ब्राइट कलर्स होना बनता है, इसलिए मैं यहाँ पे फ्रेम को विदाउट कीपिंग इट वाइट आई एम मेकिंग इट अ लिटिल कलरफुल अ लिटिल ब्राइट एंड फॉर दिस रीज़न इट्सेल्फ मैंने यहाँ पे बकरम शीट लिया था। अदरवाइज मैं कुछ और क्लॉथ भी ले सकती थी बट क्योंकि मुझे इसमें फैब्रिक करना था, इसे पेंट करना था विद अ फैब्रिक कलर और एक्रेलिक कलर, इसलिए मैं यहाँ पे बकरम शीट को ही यूज़ कर रही थी। तो यहाँ पे ये ब्राइट कलर्स को मैं विदाउट एडिंग मच वाटर, थोड़ा बहुत वाटर चाहिए होगा अदरवाइज ये कलर स्प्रेड नहीं हो रहा था, बट मोस्टली मैं कलर को एज थिक एज पॉसिबल रखने की कोशिश कर रही हूँ एंड उसको मैं इस तरह से राउंड शेप में इसे फिल कर रही हूँ, इस पूरे जो एक्स्ट्रा वाइट पार्ट है उसको पूरे को मैं येलो नहीं करूँगी, मैं इसे फ्रॉम डार्कर टू लाइटर शेड्स लाऊंगी। तो पहले ऑरेंज देन येलो एंड देन अ मिक्सचर ऑफ वाइट एंड येलो इसे करके पूरे को फ्रेम करूँगी। अदरवाइज इससे आपका एक और बेनिफिट भी है, अगर आप इसे वाइट रखते हो एंड ओवर द टाइम ये जब गंदा हो जाएगा सो वाइट कलर बहुत डल लगने लगेगा, बट अगर आप इसको इस तरह से कलरफुल रखते हो सो इससे एक फ़ायदा ये होगा कि इवन इफ इट इज़ लाइक डर्ट तो आप उसको अच्छे से रिमूव करोगे फिर भी ये इसका जो कलर, इसका ब्राइटनेस है वो नहीं जाएगा, जो कि वाइट के साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है ओवर द टाइम उसका जो उतना ब्राइट वाइट है वो नहीं रहेगा। इसलिए आई वुड रिकमेंड अगर आप स्पेशली अगर आप वेडिंग थीम वाला बना रहे हो तो इसको आप इस तरह से कलर करना, वो ज़्यादा बेटर लगेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल्सो फॉर द टाइम बींग भी ये बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लगेगा। आप जिस तरह से यहाँ पे देख रहे हो कि जो ये गोल्डन कलर का फैब्रिक है मोस्टली यही विजिबल है, साथ में कुछ कुछ रेड भी विजिबल है ऑब्वियसली, बट सिर्फ वाइट के ऊपर ये उतना पॉपअप होके नहीं आ रहा था, बट एज सून एज आई कलर्ड द बैकग्राउंड विथ ब्राइट कलर्स सो ये जो फ्रेम जो मेन इसका एलिमेंट है जो ये ब्राइड एंड ग्रूम वो बहुत ज़्यादा पॉपअप होके आ रहा है एंड दैट वाज द इंटेंशन कि उस पर्टिकुलर उस पे ही फोकस करना है तो वो पॉपअप होके आया इसलिए बैकग्राउंड को भी मैंने कलर कर दिया। नाउ फॉर दिस फ्लोरल डिज़ाइंस मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर्स ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो आप एम्ब्रॉयडरी थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हो, मोस्टली आपने देखा होगा कि एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से ही लोग करते हैं,
बट अगेन मैं यहाँ पे इसलिए इसको पेंट कर रही हूँ ताकि ये मेरे लिए बहुत ईजी टू क्लीन हो, क्योंकि ओवर द टाइम ऑब्वियसली ये गंदा होगा ही, इसलिए मुझे इसे क्लीन रखना था। एंड फॉर द लॉन्गर टाइम पीरियड मैं चाहती हूँ कि इसको एज इट इज़ ही ये दिखे, इसलिए मैंने यहाँ पे फेब्रिक कलर्स या एक्रिलिक कलर्स का ही यूज़ किया है। अब इसमें मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स का यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा मेन एलिमेंट नहीं छुपना चाहिए। अगर मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूँगी, ये फ्लोरल पार्ट पे ज़्यादा फोकस करूँगी विद डिफरेंट कलर्स, तो ये जो मेन मेरा एलिमेंट है, ये ब्राइड एंड ग्रूम को जो शो करना है इस पर्टिकुलर आर्ट में, वो कहीं ना कहीं छुप जाएगा। इसलिए मैं इसको बहुत एज सिंपल एज पॉसिबल रखूँगी, बहुत ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा एकदम फ्लोरल पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूँगी। रैदर मैं इसको सिर्फ पिंक एंड शेड्स ऑफ पिंक एंड शेड्स ऑफ रेड को ही इस कलर का मेन रखूँगी। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे लीव्स बनाए हैं, एंड बहुत ही सिंपल, अगेन कोई भी इसको बना सकता है। अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको बिल्कुल ड्राइंग डिज़ाइंस नहीं आता है, फिर भी आप ये बना सकते हो। एम्ब्रॉयडरी मैंने इसलिए भी नहीं किया क्योंकि हर किसी को एम्ब्रॉयडरी नहीं आती होगी, तो एज़ मैं यहाँ पे ये ट्यूटोरियल बना रही हूँ, बिगिनर्स फ्रेंडली है, इसलिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक कलर्स का ही ऑप्शन रखा। अदरवाइज़ अगर आपको एम्ब्रॉयडरी आती है बहुत अच्छे से तो आप कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको बहुत अच्छे से अगर एम्ब्रॉयडरी नहीं आती है तो आप इस तरह के एक्रिलिक कलर से ही करो, क्योंकि अगर नहीं आएगा फिर वो आपका अच्छा भी नहीं लगेगा, अगर इसका आउटकम बहुत सुंदर ना बने तो। इसलिए फैब्रिक कलर्स का यूज़ करो, एक्रिलिक कलर्स का यूज़ करो, एंड आपका आउटकम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। यहाँ पे मैंने अपना वेडिंग हैशटैग लिखा है, इस तरह से आप हैशटैग्स भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप अगर फुल नेम लिखना चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो। अब ये जो एम्ब्रॉयडरी हुप के ऊपर का जो ये लॉक है, ये इस तरह का ग्रीन कलर का था जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, बहुत जन इसे इस तरह ही छोड़ देते हैं, बट अगेन अगर ये कलरफुल है तो आई वुड रिकमेंड कि इसको आप एज न्यूट्रल एज लाइट कलर एट पॉसिबल रख सकते हो, ताकि वो बहुत मतलब एकदम ग्रीन वो अचानक से पॉपअप हो रहा था, तो विच वॉज नॉट लुकिंग वेरी गुड, इसलिए मैंने उसे थ्रेड से कवर कर दिया। अब मैं यहाँ पे ये वेडिंग मंथ का जो कैलेंडर है वो मैं बनाऊँगी, सो इट वॉज फॉर मार्च 2018, इसलिए मैंने मार्च 2018 का ये कैलेंडर यहाँ पे बनाया है। इसको मैंने पहले पेंसिल से इस तरह का इसके बॉक्सेस बना लिए, ताकि जब मैं इसमें लिखूँ तो ये इधर उधर अनइवन ना हो। इसको लिखने के बाद जो स्पेशली डेट है उसको आप इस तरह से हार्ट शेप बना सकते हो, ताकि वो पता चले कि कौन सा डेट है। अब इसको हैंग करने के लिए मैंने सेम उसी कलर का, ये जो कलर से मैंने कवर किया था इस लॉक को, उसी कलर का एक थ्रेड इसमें कर लिया है। एंड चॉइस ऑफ दिस थ्रेड इज़ अगेन बिकॉज कि मेरा वॉल जिस पे मैं रखूँगी वो ऑलमोस्ट इसी कलर का है, इसलिए मैं यहाँ पे यही कलर चूज़ करूँगी। एंड इसके ऊपर लेस से एक रिबन बना के इस पे पेस्ट कर दी हूँ। अब ये जो एम्ब्रॉयडरी हुप आप साइड में देख रहे हो, यहाँ पे जनरली लोग लेस लगाते हैं, बट मैं यहाँ पे लेस नहीं लगाऊंगी, बिकॉज मैं इसे बहुत पर्सनलाइज्ड, इसे मैं यूनिक बनाना चाहती हूँ। लेस तो हर कोई लगाता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे ग्लास लगाऊंगी। एंड बिकॉज ऑफ दिस मिरर्स इट इज़ क्रिएटिंग अ डिफरेंस। आप जाके आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, कहीं पे भी आप देख सकते हो एम्ब्रॉयडरी हुप आर्ट, अगर आप सर्च करोगे सो इस तरह का आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप ये एक बार ट्राई करके देखना, दिस इज डेफिनेटली गोना बी द बेस्ट वन एवर। सो नाउ माई क्राफ्ट इज़ ऑलमोस्ट रेडी, एंड ट्रस्ट मी इसका आउटकम बहुत ब्यूटीफुल आया है। अगर आप इसको एंड तक देखना चाहते हो कि किस तरह से मैंने इसको प्लेस किया है, कहाँ पे इसे प्लेस किया है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। होपफुली यू विल एंजॉय द वीडियो एंड यू विल लाइक द आउटकम। सो दिस इज द फाइनल आउटकम, आप देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल लग रहा है। मुझे इसका आउटकम इतना पसंद आया है, एंड आई सीरियसली आई डिडंट एक्सपेक्ट कि ये इतना खूबसूरत होगा। अगर इसमें आप कुछ चीजों का ध्यान रखें तो आप भी जब ये क्राफ्ट बनाओगे तो आपका भी क्राफ्ट इतना ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है। एक तो ये जो एक्रिलिक कलर्स मैंने यूज किया है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आप एक्रिलिक कलर्स का ही यूज कीजिए। अगर आपको एम्ब्रॉयडरी आती है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आप एक्रिलिक कलर यूज करते हैं तो ये बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है इस क्राफ्ट को मेंटेन करने में, बिकॉज आप इसको ऑब्वियसली ऑन द वॉल्स रखोगे, एंड इसपे अगर आप इसको धूल वगैरह इसमें आएगा ही तो एम्ब्रॉयडरी में वो प्रॉब्लम है कि उसको आप वॉश नहीं कर सकते ऑब्वियसली इस क्राफ्ट को, सो क्लीन करने में वो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, बट ये प्लेन है तो इसको आप इजीली वाइप आउट कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा इजी टू क्लीन है, इजी टू मेंटेन है। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो ग्लास है, ऐसा आपको कहीं नहीं दिखा होगा, हर जगह लोग इसमें जो लेस आता है वही यूज करते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगेन ये ग्लास आप एक बार लगा के देखना,
आपके क्राफ्ट को एक अलग लेवल की आपकी क्राफ्ट ब्यूटीफुल बन जाएगी ऑटोमेटिकली। इसमें आप जितना ज्यादा कलर्स ऐड करोगे, जितना ज्यादा ये सारे एम्ब्रिशमेंट्स ऐड करोगे, उतना ब्यूटीफुल लगेगा। ये काफी सिंपल है, मैंने आपने पूरा प्रोसेस देखा, बहुत ज्यादा तामझाम इसमें नहीं है, बिल्कुल इजी है, बट इसका आउटकम बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप किसी को भी गिफ्ट करते हो उनको आपसे फिर से प्यार हो जाए। ऐसे गेस्ट को तो लोग बार बार इन्वाइट करें जो इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट अपने साथ लाए। अगर इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया, ये क्राफ्ट पसंद आया स्पेशली, सो इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज मे बी उनको ये ट्राई आउट करना हो एंड वो आपको ही गिफ्ट कर दे, तो आपके पास ये इतना ब्यूटीफुल क्राफ्ट आपके पास आ जाएगा। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इफ यू आर विजिटिंग माई चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इतना ब्यूटीफुल क्राफ्ट आप मिस नहीं करना चाहेंगे ऑब्वियसली, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले, बिकॉज इतने अच्छे क्राफ्ट की नोटिफिकेशन भी आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में विद अनदर इंटरेस्टिंग क्राफ्ट, तब के लिए यू टेक केयर।